एक सुनसान और वीरान जिंदगी। रिटायरमेंट के बाद एक सीनियर सिटीजन के सामने यही सवाल खड़ा होता है और जल्द ही अकेलेपन और मानसिक तनाव में बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हैं जो इस सब से दूर एक अलग जिंदगी जी रहे हैं। इन चीजों को देखते हुए हमने एक सीनियर सोसाइटी का गठन किया, उसे रजिस्टर किया और एक सीनियर सोसाइटी फॉर्म कर ली जो अपने यहाँ के मेंबर्स को एक्टिव करने के लिए, अपनी एज को ग्रेसफुली जीने के लिए हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई। हमने अपने मेंबर्स को, जिसमें महिलाएं भी बहुत हद तक शामिल हैं, एक्टिव रखने के लिए, आप देख रहे हैं हमने क्या क्या यहाँ अरेंजमेंट किया है। लोग आते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, अपना समय बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। इसी के साथ साथ हमने एक बैडमिंटन क्लब भी शुरू कर दिया है जिसमें मॉर्निंग में हम उसका पूरा फायदा लेके अपनी पूरी तरह से एक्टिव एजिंग कर रहे हैं। नई दिल्ली की फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में कुछ सीनियर सिटीजन चुस्त बनो और दुरुस्त रहो के मंत्र को अपनी जिंदगी में उतार कर खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो वी थॉट बैडमिंटन इज द बेस्ट गेम टू प्ले, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 6 अगस्त 2013 से आज तक निरंतर हम खेलते रहे हैं, हमने एक दिन भी मिस नहीं किया। चाहे सर्दी का मौसम हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हम हमेशा 7 बजे यहाँ ग्राउंड में पहुँच जाते थे। फ्रीडम फाइटर एनक्लेव के सीनियर सिटीजन्स क्लब का कोच हूँ, बैडमिंटन का कोच हूँ। इसमें जो एवरेज एज ऑफ प्लेयर्स है वो 72 ईयर्स है, कम से कम जो है 64 ईयर्स की एज है और मैक्सिमम जो है वो 78 ईयर्स है। जिस समय हमारी सोसाइटी ठीक चलने लग गई, हमें ये लगा कि हम तो सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं, हमें तो अपने आसपास के लिए भी जीना सीखना चाहिए। इसमें हमें हेल्प करी हेल्प एज इंडिया ने, उन्होंने एक फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट का सेंटर हमें भेंट किया जो उन्होंने लगभग 1 साल चला के हमें दिया, और हमने अब अपनी आसपास की सोसाइटी के लिए, सबके लिए हम उसको रन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से आ रहा हूँ, बीच में एक साल छोड़ दिया था। अभी मैंने अपना स्पाइन का ऑपरेशन करवाया है और इसके रेगुलरली मैं अपनी फिजियोथेरेपी यहाँ कराता हूँ। स्टिमुलेशन का है और कई इक्विपमेंट हैं, फिजिकल एक्सरसाइज हैं, और यहाँ के डॉक्टर जो है डेडिकेटेड डॉक्टर हैं, और ये जो है किसी भी अच्छे हॉस्पिटल की फिजियोथेरेपी के कंपेरेबल में काम कर रही है। करीब 4 साल पहले ये फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया गया था और हेल्प एज इंडिया ने हमें सभी उपकरण दिए। उसके बाद करीब 1 साल तक उन्होंने डॉक्टर की सैलरी भी दी और उन्होंने ही मैनेज किया। उसके बाद हम लोग जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसे मेंटेन करने में। करीब 3,200 पेशेंट्स पिछले साल यहां पर आए हैं और उन्होंने लाभ उठाया है। साथ में हमने एक होम्योपैथी सेंटर भी ऐड कर दिया जिसमें केवल 10 रुपए लेकर हम एक हफ्ते की दवा दे देते हैं और आसपास के छोटे मोटे सब तरह की बीमारियों का इलाज उसमें हम कर पा रहे हैं। और इस तरह से हम खुद तो एक्टिव एजिंग में बिलीव ही कर रहे हैं, लेकिन अपने आसपास की सराउंडिंग का, अपने लोगों का भी पूरे भले का ध्यान रख रहे हैं। इनके पास एक बहुत ही अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर है जो कि न केवल रोजमर्रा की समस्याओं को देखता है बल्कि जो क्रॉनिक लंबी अरसे से चली आ रही बीमारियों का इलाज भी बहुत ही तसल्ली बख्श ढंग से किया जाता है। होम्योपैथी का हमने जो स्टार्ट किया है ये हमारा पर्पज यह है, केवल मेंबर्स के लिए नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए इसे हमने स्टार्ट किया है, जो अधिक से अधिक लोग इसे लाभ उठा रहे हैं। सोसाइटी के मेंबर तो आते ही हैं लेकिन बाहर के मेंबर भी, बच्चे भी इसे पूरा लाभ उठाते हैं। इस कार्यक्रम में महिलाएं भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी पसंद का कार्यक्रम चुनकर चुस्त बनो और दुरुस्त रहो का मंत्र अपना रही है। हम लेडीज यहाँ हर थर्सडे को सेंटर में आकर तंबोला भी खेलते हैं, रेसिपी डिस्कस करते हैं और इंजॉय करते हैं। पिछले 2.5 साल से सुबह 1 घंटा योगा का क्लास चलाते हैं, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हेल्थ हाइजीन किचन गार्डन कुकरी क्लासेस
ये सब चलाते हैं। और शाम को 130 बच्चे, गरीब बच्चे आते हैं, उन्हें वरिष्ठ महिला सब पढ़ाते हैं। मैं इस संस्था से पूरे 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ मैं बच्चों को क्राफ्ट सिखाती हूँ। मैंने यहाँ बच्चों को 3 तरह के क्राफ्ट सिखाए हैं, POP क्राफ्ट, पेपर क्राफ्ट और ब्रेड क्राफ्ट। इन बच्चों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग शाम को तो रोज मिलते ही हैं, जिसमें हम गेम्स खेलते हैं, और इसके अलावा महीने के आखिरी में हम आपस में मिलकर के किसी ना किसी का, जिसका भी उस महीने में बर्थडे होता है, मनाते हैं। ये सीनियर नागरिक दिल खोलकर आर्थिक मदद देने में भी पीछे नहीं रहते। हाल ही में उत्तराखंड में आई आपदा के बाद इन्होंने हेल्पेज इंडिया उत्तराखंड रिलीफ फंड में 71,000 रुपए का योगदान दिया। हेल्पेज इंडिया सीनियर नागरिकों की और संस्थाओं को भी प्रेरित करता है कि वो इसी प्रकार से एडवांटेज सेंटर बनवाएं और ऐसे कार्यक्रम चलाएं। हेल्पेज इंडिया के एडवांटेज प्रोग्राम के तहत चुस्त बनो और दुरुस्त रहो, यही खुशहाल जिंदगी की राह है।